Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we are going to cover the set 17 of vocab section. So I'll be covering another 50 words and we'll see. It will definitely help you in your NATA exam. So let's begin. Certainly, certainly ko hum bolte hain nishchit roop se. Certainly matlab nishchit roop se. Anyone, isko hum log bol sakte hain kisi ko ya koi bhi. Anyone मतलब किसी को या कोई भी. Anyone else मतलब कोई और. Anyone else मतलब कोई और. Positive मतलब सकारात्मक. Positive मतलब सकारात्मक. Positive attitude इसका एक example है तो इसको हम लोग बोलेंगे सकारात्मक रवैया. सकारात्मक रवैया मतलब positive attitude. नेगेटिव को हम लोग उसी तरह से जैसे पॉजिटिव को हम लोग सकारात्मक बोलते हैं, नेगेटिव को हम लोग नकारात्मक बोलते हैं. नेगेटिव मतलब नकारात्मक. टेकन अ पॉजिटिव स्टेप, ये कुछ डायलॉग्स में आता है. तो टेकन अ पॉजिटिव स्टेप को हम लोग बोलेंगे जैसे कि आपने यहाँ पे आके एक सकारात्मक कदम उठाया है. यू हैव टेकन अ पॉजिटिव स्टेप बाई कमिंग हियर. तो टेकन अ पॉजिटिव स्टेप मतलब एक सकारात्मक कदम उठाया है. वो मेरी जिंदगी का चिराग है मतलब दे आर द लैम्प ऑफ माई लाइफ. वो मेरी जिंदगी का चिराग है, इसको हम लोग बोल सकते हैं दे आर माई लाइफ और दे आर द लैम्प ऑफ माई लाइफ. ये हो गया लिटरल मीनिंग. फॉर ओवर 10 years मतलब 10 से अधिक वर्षों से, या हम लोग बोल सकते हैं 10 साल से अधिक समय से कि मैं यहाँ पे हूँ फॉर ओवर 10 years. जैसे हम लोग बोलते हैं आई हैव बीन हियर फॉर मोर देन 10 years तो उसको हम लोग बोलेंगे 10 से अधिक वर्षों से या 10 साल से अधिक समय से. मोस्ट वुमेन मतलब ज़्यादातर औरतें या अधिकांश महिलाओं, या हम लोग या तो मोस्ट के लिए ज़्यादातर भी यूज़ कर सकते हैं या अधिकांश भी यूज़ कर सकते हैं. और वुमेन के लिए औरतें यूज़ कर सकते हैं या महिलाएं या महिलाओं भी यूज़ कर सकते हैं. तो ज़्यादातर महिलाएं या ज़्यादातर औरतें या अधिकांश महिलाएं या महिलाओं या अधिकांश औरतें, तो हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. इसका मतलब मोस्ट वुमेन. नेक्स्ट इंटरवेंशन ऑर्डर. इंटरवेंशन ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं दखल आदेश बोलते हैं. इंटरवेंशन को हम लोग दखल बोलते हैं और ऑर्डर को आदेश, या हम लोग उसको हस्तक्षेप का आदेश भी बोल सकते हैं. तो आपको जो भी सही लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं. हस्तक्षेप का आदेश या दखल आदेश, इसका है इंटरवेंशन ऑर्डर. अब ये एक एग्जांपल मैंने लिया है जो कि कुछ डायलॉग्स में आते हैं. फॉर मोस्ट वुमेन, ये मोस्टली डोमेस्टिक वायलेंस के केस में आता है. फॉर मोस्ट वुमेन हु डोंट अप्लाई फॉर इंटरवेंशन ऑर्डर मतलब ज़्यादातर महिलाएं जो हस्तक्षेप के आदेश के लिए आवेदन नहीं करती हैं, या दखल आदेश का आवेदन नहीं करने वाली अधिकांश महिलाओं के लिए. तो फॉर मोस्ट वुमेन हु डोंट अप्लाई फॉर इंटरवेंशन ऑर्डर, इसको हम लोग बोलेंगे इस तरह से. आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही है. ज़्यादातर महिलाएँ जो हस्तक्षेप के आदेश के लिए आवेदन नहीं करती हैं, या दखल आदेश का आवेदन नहीं करने वाली अधिकांश महिलाओं के लिए. मतलब इसमें मोस्टली बोलते हैं फॉर मोस्ट वुमेन हु डोंट अप्लाई फॉर इंटरवेंशन ऑर्डर द सिचुएशन गेट्स वर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी वेरी सीवियर. तो इस तरह का एक एग्जांपल है. प्रैक्टिकल को हम लोग बोलते हैं व्यवहारिक. जहाँ पे भी बिहेवियरल या प्रैक्टिकल आता है तो हम लोग उसको व्यवहारिक बोलेंगे. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इसको हम लोग, इसका एक एग्जाम्पल अभी मैंने लिया है. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसको हम लोग बोलेंगे व्यवहारिक अनुभव. प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक और एक्सपीरियंस को हम लोग अनुभव बोलते हैं. तो व्यवहारिक अनुभव मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली को हम लोग बोलते हैं वास्तव में. प्रैक्टिकली को वास्तव में बोलेंगे या व्यवहारिक रूप से, कुछ भी आप बोल सकते हो. नेक्स्ट इमोशनल. इमोशनल को हम लोग बोलते हैं भावनात्मक. इमोशनल मतलब भावनात्मक. इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से. इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से. लोकल, लोकल को हम लोग स्थानीय बोलते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये बहुत सारी जगहों में आता है. लोकल को हम लोग स्थानीय बोलते हैं. लोकलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं स्थानीयकरण. मैंने एक एग्जांपल लिया है लोकलाइजेशन, अगर आपका इनकेस आए तो उसको स्थानीयकरण बोलेंगे. यहाँ पे भी इंग्लिश में ये लास्ट में जेशन आ जाता है लोकलाइजेशन जैसे कि, तो उसको स्थान करण लग जाता है उसमें करण. तो लोकलाइजेशन मतलब स्थानीयकरण. लोकली मतलब स्थानीय स्तर पर. लोकली मतलब स्थानीय स्तर पर को हम लोग लोकली बोलेंगे. नेक्स्ट
लोकेलिटी को हम लोग बोलेंगे इलाके, अगर लोकेलिटी की बात आए तो आपको इलाके बोलने हैं। कम्युनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत सारे डायलॉग्स में आता है, कम्युनिटी को हम लोग बोलते हैं समुदाय, कम्युनिटी को समुदाय। कम्युनिटी सर्विस तो होता है सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस मतलब सामुदायिक सेवा। कम्युनिटी सेंटर को हम लोग बोलते हैं सामुदायिक केंद्र, सर्विस को हम लोग बोलते हैं सेवा, सेंटर को बोलते हैं केंद्र, तो सामुदायिक केंद्र मतलब कम्युनिटी सेंटर। कम्युनिटी मैनेजर, मैनेजर को हम लोग बोलते हैं प्रबंधक, और मैनेजमेंट को प्रबंधन बोलते हैं, तो मैनेजर, तो कम्युनिटी मैनेजर अगर आए तो सामुदायिक प्रबंधक होगा। जस्टिस, जस्टिस को हम लोग न्याय बोल सकते हैं या इंसाफ बोल सकते हैं, या अगर वापस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत सारे डायलॉग्स में आता है जस्टिस, जब भी आए तो न्याय या इंसाफ के बारे में बात हो रही है। लोकल कम्युनिटी जस्टिस सेंटर, इसलिए मैंने इतने सारे वर्ड्स कवर किए हैं, तो लोकल कम्युनिटी जस्टिस सेंटर को हम लोग बोलेंगे स्थानीय सामुदायिक न्याय केंद्र। लोकल मतलब स्थानीय, कम्युनिटी मतलब सामुदायिक, जस्टिस मतलब न्याय, और सेंटर मतलब केंद्र, तो स्थानीय सामुदायिक न्याय केंद्र का हो गया लोकल कम्युनिटी जस्टिस सेंटर। स्पेशली को हम लोग बोलेंगे विशेष रूप से या खास तौर पर, आपको दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, विशेष रूप से या खास तौर पर को इस हम लोग बोलते हैं स्पेशली। स्पेशली डिज़ाइंड को अगर हम लोग बोलेंगे विशेष रूप से तैयार किया जाता है, स्पेशली डिज़ाइंड मतलब विशेष रूप से तैयार। हॉलवे को हम लोग बोलते हैं बरामदे बोल सकते हैं या दालान बोल सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपको ईजी लगता है, तो हॉलवे को हम लोग दालान बोलेंगे या बरामदे बोलेंगे। नेक्स्ट, रोस्टेड को हम लोग बोलेंगे भुना हुआ, रोस्टेड को बोलेंगे भुना हुआ। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे रोस्टेड के ऊपर। रोस्टेड चिकन मतलब भुना मुर्गा, रोस्टेड चिकन मतलब भुना मुर्गा। रोस्टेड पोर्क मतलब भुना हुआ सुअर का मांस, रोस्टेड पोर्क मतलब भुना हुआ सुअर का मांस। रोस्टेड पोटैटोस, रोस्टेड पोटैटोस मतलब हो गया भुने हुए आलू, रोस्टेड पोटैटोस मतलब भुने हुए आलू। ये रोस्टेड वर्ड क्यों यहाँ पे इतना ज़्यादा यूज़ किया गया है, क्योंकि आप देखोगे वेस्टर्न कल्चर में मोस्टली बारबेक्यू फूड बनाने की बहुत ज़्यादा लोगों को आदत होती है, तो हर चीज़ रोस्टेड होता है, आपके चिकन, पोर्क, पोटैटोस, तो भुने हुए आलू को हम लोग बोलते हैं रोस्टेड पोटैटोस। घमंडी मतलब होगा इगोइस्टिक या एरोगेंट, घमंडी का जब भी आएगा तो इगोइस्टिक बोल सकते हैं या एरोगेंट बोल सकते हैं। सिंगल रूम, जब भी आप होटल में बुकिंग करेंगे तो अवश्य ही आएगा ही, तो सिंगल रूम को हम लोग बोलेंगे एकल कमरे या एक व्यक्ति के लिए कमरे, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। फैमिली रूम उसी तरह से, तो उसको हम लोग बोलेंगे परिवार कक्ष या परिवार के लिए कमरे, परिवार कक्ष या परिवार के लिए कमरे को हम लोग बोलते हैं फैमिली रूम। डीलक्स रूम, जैसे कि आपको कोई अगर एक्स्ट्रा वेगेंट रूम चाहिए तो डीलक्स रूम जैसे होता है, तो आलीशान कमरे या भव्य कमरे, आलीशान कमरे या भव्य कमरे, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं डीलक्स रूम। एडजेसेंट मतलब सटा हुआ, एडजेसेंट मतलब सटा हुआ, एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक, सटा हुआ। एडजेसेंट रूम्स की जब बात है, बगल के कमरे, एडजेसेंट रूम्स की बगल बात है तो बगल के कमरे। एडजेसेंट टू ईच अदर मतलब एक दूसरे से सटे हुए, मतलब उनके घर, देयर हाउसेस आर एडजेसेंट टू ईच अदर, उनके घर एक दूसरे से सटे हुए हैं। एकांत मतलब होता है आइसोलेशन या सेक्लूडेड, एकांत को हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन या सेक्लूडेड बोलते हैं। शांति मतलब हो गया पीस, पीस मतलब शांति। निजता को बोलते हैं प्राइवेसी, प्राइवेसी निजता। आखिर वाले कमरे मतलब रूम टुवर्ड्स दी एंड, आखिर वाले कमरे को हम लोग बोलते हैं रूम टुवर्ड्स दी एंड। वाइड रेंज या ब्रॉड रेंज, अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, क्योंकि ये बहुत सारे डायलॉग्स में आता है, तो जब भी वाइड रेंज या ब्रॉड रेंज की बात आए तो आप इन चारों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, आप बोल सकते हो विस्तृत श्रृंखला, आप बोल सकते हो विस्तृत श्रेणी, या आप बोल सकते हो कई तरह के, या आप बोल सकते हो भिन्न प्रकार की, तो चारों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, विस्तृत श्रृंखला, विस्तृत श्रेणी, कई तरह के या भिन्न प्रकार की, ये चारों में से कुछ भी बोलोगे इसका मतलब है वाइड रेंज या ब्रॉड रेंज, और ये ऑलमोस्ट एवरी डायलॉग में आता ही है, तो आपको ये पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट, फैंटास्टिक व्यू, फैंटास्टिक का मतलब है शानदार, और व्यू का दृश्य, तो शानदार दृश्य मतलब हो गया फैंटास्टिक व्यू।
टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स को हम लोग बोलते हैं नियम और कंडीशंस को शर्त या शर्तें, ये शर्तों बोल सकते हो। तो नियम और शर्तें होगा तो टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, इसका मतलब हो गया नियम और शर्तें लागू। अप्लाई का मतलब होता है लागू करना या लागू होना, तो नियम और शर्तें लागू का हो गया टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ यूज मतलब उपयोग की शर्तें। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो उपयोग की नियम और शर्तें भी बोल सकते हो, मगर दोनों का अर्थ एक ही है। तो उपयोग की शर्तें का मतलब हो गया टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ यूज। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो दिस वॉज सेट 17 ऑफ वोकैब सेक्शन। आई होप दिस विल शॉर्टली हेल्प यू, या आपको ज़रूर मदद करेगा। वापस से मैं यही दोहराना चाहता हूँ कि कीप ऑन रिवाइजिंग डायलॉग, रिवाइजिंग वोकैब्स एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग डायलॉग्स। ये दो चीज़ अगर आप करोगे तो नाटी की एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द टू ऑल द पीपल जो भी नाटी की एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। एंड इफ़ एनी वे माई चैनल माई वीडियोज़ हेल्प यू, काइंडली लेट मी नो। ओके, इट विल बी अ बिग मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। एंड सो लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक द सो दैट एंड सब्सक्राइब बिकॉज देन यू वॉन्ट मिस एनी ऑफ द वीडियोज़ दैट आई विल बी पोस्टिंग ऑन यूट्यूब इन माई चैनल। So thank you so much for watching this.